Deputy Chief Minister Mahmood Ali Sahab और मेयर आपका सुजाता जी, नोडा चेयरमैन प्रभाकर अली साहब और स्टेट रेडको चेयरमैन अली भाई, खुद्दूस भाई और अफद खान जी, तारिक अंसारी जी, नबी इकबाल जी, इमरान सरकार जी, मुजाहिद बब्बू, सुजीत सिंह ठाकुर, सत्य प्रकाश, लड्डू शेखर, दारम साहिलो साहिराम, तमाम कारपोरेटर्स, जब्बर खान जी और खासकर हमारे खोजा कॉलोनी के भाइयों यहाँ पे जो मौजूद है, बाबू गड़बड़ मत करना, डिस्टर्ब मत करो, सिर्फ मैं बात करता हूँ, इसके बाद साफ बात करेंगे। जरा मीटिंग को फिर से रुक जाओ, गुरुबाउल हमार सुनिए। आज मैं तीसरा इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये इलेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है मैं गली गली में, बस्ती बस्ती में घूम रहा हूँ, तो खासकर औरत लोग बाहर आके बोलते हैं, मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हम कार के निशान पर वोट डालेंगे। और पैसा भाइयों दुकान में बैठ के ऐसा बताते हैं और ऐसा बताते हैं कि सब आप जीत गए। आप हमसे सवाल कर सकते कि क्यों टीआरएस पार्टी को वोट दे रहा हूं, कि क्यों कार के निशान पर वोट दे रहा हूं, बिल्कुल आप हमारे से सवाल कर सकते हैं। इसीलिए वोट देना है। एक इंसान इस जमीन पर आने से पहले, इस जमीन से जाने तक केसीआर साहब ने उसका देखभाल कर रहा है, इसीलिए टीआरएस पार्टी को वोट देना है। अगर एक प्रेग्नेंट औरत प्रेग्नेंट हो जाती, डॉक्टर साहब तीन चीज बताते हैं, एक अच्छा खाना खाओ तो अच्छा बच्चा फायदा होगा, दूसरा काम ज्यादा मत करो, तीसरा आप वक्त पर डॉक्टर के पास जाके स्कैनिंग कराओ, दवाई ले लो। इसीलिए हमारे केसीआर साहब अच्छा खाना का तो इंतजाम कर दिया, आंगनबाड़ी सेंटर सेंटर में जो भी प्रेग्नेंट है उसके खाने का इंतजाम किया। और अगर वो औरत काम नहीं करना है, बीबी मियां दोनों काम करें तो ही घर चलेगा। अगर बीबी काम नहीं करके अगर घर में बैठेगी, घर कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। इसीलिए हमारे केसीआर साहब ने उसका भी इंतजाम किया, 12,000 रुपए 300 में दिया जाएगा, 4,000 4,000 4,000, अगर लड़का हुआ तो 12,000, लड़की हुआ तो 13,000 रुपए। वो डिलीवरी के बाद केसीआर के नाम से आपको ये पेटी दिया जाएगा हॉस्पिटल में डिस्चार्ज के टाइम पे, उसमें माँ के लिए कपड़े, बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने, मच्छरदान, पाउडर, तेल, हर चीज उसमें होंगे। अगर हॉस्पिटल को आपको चेकअप के लिए जाना है, आपके घर वालों को नहीं तो आपके माँ का सहारा होना पड़ता है, ऑटो में चढ़ के बड़ी मुश्किल से जाना पड़ता है, लेकिन जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 102 नंबर आप दबाने से आपके घर पे एयर कंडीशन जी पाएंगे और आपको लेके जाएंगे, डॉक्टर के पास चेकअप करेंगे, वापस छोड़ देंगे, जिसको 1 रुपए देने नहीं पड़ेंगे आप। और उसके बाद कहीं गरीब लोग हैं, हर एक ड्राइवर सोचता है, हर एक क्लीनर सोचता है, हर एक जो माउस पेस के वो भी सोचता है, मेरे जिंदगी मेरे बच्चों को नहीं आना चाहिए, वो अच्छा खूब पढ़े, खूब तरक्की करे और अच्छा कलेक्टर बने और एसपी बने, वो ये सोचकर अपना बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ाने के लिए शरीक करने के लिए जाते हैं। जाने के बाद स्कूल वाले बोलते 20,000 रुपए 25,000 रुपए फीस, उसके बाद हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके ताकत बस नहीं होता फीस भरने के लिए। फिर वापस आके धीरे धीरे दोनों डिस्कस करते हैं कि भाई हमारे जैसे किस्मत, हमारे बच्चे भी ऐसे ही कुछ काम करके जी लेंगे, लेकिन केसीआर साहब ने आपका किस्मत को नहीं छोड़ा है, उसका भी जिम्मेदारी हमारे केसीआर साहब ने लिया है। इसीलिए बोलते महिला के स्कूल में शेयरिंग करो, आपके बच्चों का सिर्फ शेयरिंग करो, पढ़ाई के साथ, किताबों के साथ, खाने के साथ, रहने के साथ, हर चीज का इंतजाम हमारा केसीआर साहब किया है। उसका 1,25,000 रुपए एक स्टूडेंट के पीछे लगाते हैं।
इसीलिए हम टीआरएस पार्टी को वोट देने के लिए मांग रहे हैं। और उसके बाद किसी को लड़की हुआ तो बड़ा नाराज से बोलते कि भाई हमको लड़की हुआ क्या है, किस्मत में ऐसा ही है। अगर लड़का हुआ तो जबरदस्ती बोलते लड़का हुआ, बड़ा मुस्कुराते हुए बोलते, क्योंकि वो शादी करना पड़ता इसीलिए परेशान रहते, इसीलिए लड़की होना नहीं चाहते, कर्जा उठाना पड़ता शादी में। लेकिन 75,116 दिया गया। और उसके बाद हमारा महमूद अली साहब को एक बार हमारे साहब हमारे सामने पूछे, हमारे एमएलए को भी पूछे, क्या महमूद साहब 75,000 बस हो रहे क्या? महमूद अली साहब बोले हाँ बस तो हो रहे साहब, 12-10 हजार एडजस्ट करके कर रहे। नहीं नहीं उसके जेब में से 1 रुपए भी नहीं लगाना है, अपना बेटी को इज्जत से अपना घर को भेजना है, ससुराल के घर को भेजना है, बिरयानी खिला के भेजना है, इसीलिए खर्च कितने होंगे? तो हमारे महमूद अली साहब ने बताया कि अगर 1,00,000 रुपए देंगे तो पूरा खर्च इसमें आ जाएंगे। तो इमीडिएट ऐलान कर दिया 1,116,000 रुपए। उसके बाद 65 साल का उम्र होने के बाद, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, ताकत नहीं रहता काम करने के लिए, देखभाल करने के लिए हमारा बेटी अपना बेटा भी नहीं देखते, उसका किस्मत में छोड़ देते, क्योंकि उनके बीवी उनके बच्चे बोझ बन जाते घर में बुढ़े लोग। इसीलिए केसीआर साहब ने उसकी भी जिम्मेदारी लिए, उसके नाम में आसरा, जो 65 साल के उम्र के ज्यादा लोग हैं उसको 1,000 रुपए दिया जाएगा महीने को, जो बेवा है उनको भी 1,000 रुपए दिया जाएगा, जो घर वाला छोड़ के जाता है उसको भी 1,000 रुपए दिया जाएगा। और 2-4 बार हम केसीआर साहब से जब मिले थे, हम ये भी जिक्र किए साहब, लोग का कहना है अगर 2-3 साल कम करेंगे आप 62 साल लगाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, क्योंकि तबियत जल्दी खराब हो जा रहा है। हमारा केसीआर साहब का दिल बड़ा है, इसीलिए सीधा 65 साल से 57 साल लेके आए, 8 साल का उम्र कम कर दिए। अभी जिसके भी 57 साल है उसको 2,016 रुपए मिलने वाले हैं। इसीलिए हम केसीआर साहब को वोट देने के लिए मांग रहे हैं, कार के निशान पर वोट देने के लिए मांग रहे हैं। गरीबों के ये सरकार है, ये कार। और निजामबाद में जिस दल से हमने डेवलपमेंट किया है, केसीआर साहब का जो बड़ा दिल है उसमें 900 करोड़ रुपए निजामबाद शहर के लिए दिया है। मैं हर रोज सुबह शाम में गली गली जो घूम रहा हूँ, हर एक दिन मैं नया रोड पे चल रहा हूँ, लोग हार के मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं साहब मैं 40 साल से ये गली में रह रहा हूँ, मैं पहली बार रोड देखा हूँ, यहाँ पे 30 साल से मेरे दुकान है, आज पहली बार मैं नया रोड देख रहा हूँ। मुझे मालूम है ज्यादा लोग यहाँ से नागारंग से भी है। बाबा साहब पहाड़ी का रोड साइकिल रिक्शा भी जाना मुश्किल था, क्योंकि मैं 50 बार उस रोड पे जा चुका हूँ। आज वो रोड बनने के बाद मुझे लोग लेटर लेके आते कि साहब बड़ा रोड अच्छा साफ बन गया, गाड़ियां बहुत फास्ट जा रहे, जरा स्पीड ब्रेकर लगाओ। और आजाम रोड पे पवन टैकेज रोड पे इतना साफ बन गया, लोग आगे कागज पे लिख के मुझे देते कि स्पीड ब्रेकर बनाओ। इतना रोड निजामबाद शहर में पहली बार किसने भी नहीं बनाया। अंडरग्राउंड ड्रेनेज मैं जानता हूं थोड़ा दिन आपको तकलीफ हुआ, लेकिन आज 4-5 दिन में 4-5 लोगों में एक बात करो, एक आदमी बीमार पड़ा हुआ है, किसी को डेंगू, किसी को मलेरिया, मैं भी 4-5 दिन दुकान से सो गया, क्योंकि कीड़े मकोड़े मच्छर मोरी में से निकाल के गंदगी में से परेशान हो रहे हैं। एक बार अंडरग्राउंड ड्रेनेज बन जाएगा, आपके बच्चों आपके खराबी ये पूरा दूर हो जाएगा। मेरे भाइयों और मेरे बहनों आप सोचिए, हमारे निजामबाद के तरक्की के लिए, हमारा निजामबाद के डेवलपमेंट के लिए और हमारे लिए और आपके लिए सोचिए, और जरूर कार के निशान पर वोट डालिए, क्योंकि कार के निशान याद रखना बहुत जरूरी बात है। आप मैं ये मान नहीं मानता हूँ कि गणेश गुप्ता का नाम याद रखो उसके चेहरा का नाम चेहरा याद रखो, मैं कुछ भी जिलोने वाला नहीं हूँ, सिर्फ आपको याद ये रखना है कि कार के निशान याद रखना है, क्योंकि मैं लोगों से मिलता हूँ तो लोग बड़े लोग औरत लोग जो बोलते हैं हम इस बार केसीआर साहब को वोट देंगे, तेलंगाना पे वोट देंगे, टीआरएस पार्टी पे वोट देंगे, जब निशान के लिए पूछते थोड़ा इधर उधर देखते। मेरे बहनों आप इधर उधर देखो मत, सिर्फ कार के निशान पे वोट दीजिए। और इतने यहाँ पे जो हमारे मीडिया भाइयों के आए उसको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ,
और ये जो मुझे मौका दिया, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।